आज की इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि 2D की मोशन एडिटर के जरिए जो कि यहाँ पे अवेलेबल होता है अभी विजिबल नहीं है बिकॉज मैंने कोई करेक्टर सेलेक्ट नहीं किया तो जब करेक्टर सेलेक्ट करूँगा तो ये यह यहाँ पे मुझे विजिबल हो जाएगा तो इसके ज़रिए हम एक अपनी मर्जी की एनिमेशन कैसे कर सकते हैं ख़ुद से एनिमेशन कैसे कर सकते हैं तो लेट्स के स्टॉडेंट पहले इसके लिए मुझे स्क्रीन के ऊपर कुछ करेक्टर्स लेके आने सो so, मैं करेक्टर लेके आता हूँ लेट्स ए एगर ह्यूमन जी थ्री थ्री सिक्सटी और मैं अगर बारह में चला जाऊं तो लेट्स से दिस दिस इज द कैरेक्टर मैं इसको ले जाता हूँ स्टेज के ऊपर ये कैरेक्टर स्टेज के ऊपर आ चुका है राइट नाउ सो ये मुझे अभी, अभी अवेलेबल हो गया टू डी मोशन की एरर क्लिक करता हूं यहां पे तो ये इस तरह का सामने जो है एरर खुल जाता है तो अभी एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है एट द मोमेंट देखें ये कैरेक्टर है इसके अंदर मतलब बोन्स लगी हुई हैं तो ये बोन जो है इसकी सही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो रही है इसको 2D मोशन की एरर कहते हैं हम जोन सा मर्जी इसका हिस्सा सेलेक्ट करना चाहें बाजू सेलेक्ट करना चाहें इसकी मुँह सेलेक्ट करना चाहें कुछ भी पाँव हाथ कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो सेलेक्ट करके उसको जहाँ पे घुमाना चाहें उसको रोटेट करना चाहें तो सब कुछ इधर मुमकिन है अगर ख़ुद से एनिमेट करना है कार्टून एनिमेटर ज़्यादातर लोग इसी वजह से यूज़ करते हैं कि बनी बनाई मोशन जो है वो ले आते हैं और करेक्टरों को एनिमेट करते हैं लेकिन बाज़ात हमारे सीन के मुताबिक हमने ख़ुद से एनिमेट करना होता है तो उसके लिए हमें हमारे पास ये टू की मोशन एरर इसके ज़रिए ही सारी एनिमेशन हो रही होती है तो अभी जो है ये सामने जो नज़र आ रहा है ये डमी कह लें इसे पुतला कह लें या जो भी कह लें ये स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है ये कंट्रोल कर रहा है इसको राइट इस करेक्टर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कंट्रोल कर रहा है तो अभी जो है मैं बोन्स मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं और यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं दो तरीके हैं सेलेक्ट करने के बोन्स को या तो आप करेक्टर की जो है किसी बोन को डायरेक्ट क्लिक करें तो यहाँ पे वो सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ देखें जब आपने वहाँ पर सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे ये ब्लू डॉट नज़र आ गया है ब्लू डॉट का मतलब ये है इस वक्त स्टेज के ऊपर जो है मैंने ये चीज़ सेलेक्ट की हुई है इस करेक्टर की और अभी इसको अगर मैं छेड़ूँ इसको रोटेट करूँ तो ये यहाँ पे अगर टाइम लाइन को मैं ऑन कर दूँ ठीक है ये टाइम लाइन ऑन हो गई है अभी देखें ये मुझे बता रहा है कि इस करेक्टर जो कि फिलप है इसका राइट आर्म का स्प्राइट एस का मतलब स्प्राइट है टी का मतलब ट्रांसफॉर्म है और एस का मतलब यहां पे स्प्राइट है स्प्राइट सेलेक्ट हुआ पड़ा है इसको मैं टाइम लाइन को आगे लेके आता हूँ लेट से यहां पे इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ रोटेट ठीक है तो ये देखें ये राइट right आर्म जो है वो थोड़ी सी उसके ऊपर की की फ्रेम लग चुका है किसका रोटेट का ठीक है शुरू में इस तरह है फिर आहिस्ता क्या हो रहा है ये अपनी बाजू राइट वाली बाजू उठा रहा है सिलेक्ट मैंने ये कहा था कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं यहाँ से करने से क्या होता है कि आप अगर लड़ से लेफ्ट आर्म सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो अभी राइट सेलेक्ट हुई पड़ी है तो ये कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है आप एग्जैक्ट देखें ये क्लिक कर रहा हूँ लेकिन जो चीज़ मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ शायद वो ना हो पाए अभी मैं इट से लेफ्ट आर्म जो कि हमारे सामने है उसको सेलेक्ट करूँ तो देखिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो इससे बचने के लिए क्या है कि उन्होंने ये उन्होंने हमें इमेज दिया हुआ है तो मैं जिसके ऊपर क्लिक करूँगा वो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी वो बोन फिर उस बोन को सिलेक्ट करने के बाद उस बोन को जो भी मैं उस पर एनिमेशन लगाना चाहूँ तो एनिमेशन लगा सकता हूँ करेक्टर की एनिमेशन करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है लेकिन अगर आप इसके नेचर समझ जाएँ तो फिर आपकी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं करेक्टर बेसिकली प्रॉप्स पे ही मुश्तमल होता है ये देखें एक करेक्टर बनाया कैसे जाता है कार्टून एंड में हम आगे एडवांस लेक्चर्स में जाके वो देखेंगे कि आप या तो फ़ोटोशॉप में लेके जाएंगे करेक्टर्स को या फिर आप एलिस्ट्रेटर में मुख्तफ लेयर्स पे बनाएंगे और लेयर पे हाथ एलहद से बनाएंगे उसकी जो है ये येहद से बनाएंगे एल्बो एल्बोद से बनाएंगे शोल्डर बनाएँगे से बनाएंगे लेफ़्ट और राइट जो है वो कीज़ होती हैं आप उनको बनाएंगे बनाएँगे बनाने के बाद फिर आप उनको जो है ये होंगी प्रॉप ये होंगी क्या प्रॉप ठीक है तो ये कैरेक्टर बेसिकली छोटे छोटे प्रॉप्स पे मुश्तल होता है और हर प्रॉप फिर जो है स्प्राइट पे मुश्तल होती है ठीक है यानी कि बात जो कर रहा हूँ सबसे छोटी चीज़ जो है वो स्प्राइट है स्प्राइट मिल के एक प्रॉप बनाती है प्रॉप मिल के जो है या तो वो प्रॉप रहती है या फिर वो कैरेक्टर बन जाता है तो जितनी हमें चीज़ें नजर आ रही हैं ये लेदर लदा ले जो है बनाई पड़ी हैं लेकिन उन इनको बोन सिस्टम के जरिए जोड़ दिया गया है वो हम कंपोज़र मोड में आगे जा के हम देखेंगे कि हम कैरेक्टर के ऊपर बोन्स कैसे लगा सकते हैं एनी anyway, सो so ये बोन के ज़रिए एक करेक्टर जुड़ा पड़ा है ये कार्टून एनिमेटर के साथ आया है तो इसमें कोई गलती नहीं है बिल्कुल सही है अगर हम जब बना बनाते हैं तो उसमें कभी कभी गलती कर देते हैं तो ये बहरहाल इसका कॉन्सेप्ट है कि पहले स्प्राइट होती है फिर प्रॉप हो स्प्राइट मिलकर प्रॉप्स बनाती हैं और प्रॉप्स या तो वो प्रॉप के तौर पे आप लेके आ सकते हैं कार्टूनरी मैटर में, में या सीन के तौर पे या उसको कैरेक्टर के तौर पे अगर वो कैरेक्टर है आप कैरेक्टर फोटोशॉप में बना सकते हैं एलुस्टेटर में बना सकते हैं फोटोशॉप में जो करैक्टर होते हैं वो दिखने में बहुत ज़्यादा रियल लगते हैं जिस तरह के फोटो होता है कि हकीकत के करीब तरीन होता है लेकिन उनका इशू यह है कि वो पिक्जलेटेड होते हैं वो फट जाते हैं पिक्सल अगर बहुत ज़्यादा जूम इन किया जाए अगर कैरेक्टर के मुंह को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाते हैं तो वो एक तरह लगेगा कि तस्वीर फटी हुई है तो ये इसका हाल फिर वेक्टर है वेक्टर जो है जितना मर्जी आप जूम करें वो जो है वो फटेगा नहीं पिक्सल लेकिन वैक्टर में रियल लुक देना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है फ़ोटोशॉप के अंदर बना हुआ बैकग्राउंड या कैरेक्टर या प्रॉ वो बहुत ज़्यादा रियल लुक देगी लेकिन एलिस्ट्रेटर के अंदर बना हुआ जो कैरेक्टर होगा आप उसको जितना मर्जी जूम इन जूम आउट करें उसकी क्वालिटी नहीं मुतासर होगी तो इसके अपने लिमिटेशंस हैं और एलिस्ट्रेटर के अपने लिमिटेशंस हैं बहर जो कार्टून एनिमेटर का 5.11 वन वन वरियन है या इसके बाद जो भी वरियंस हैं उसमें आपके ये आज़ादी है कि आप जौन सा मर्ज़ी है कैरेक्टर आप फ़ोटोशॉप में बनाना चाहें फ़ोटोशॉप में बना सकते हैं एलिस्ट्रेटर में सारा बनाना चाहें एलस्ट्रेटर में बना सकते हैं फ़ाइव पॉइंट एलेवन वरियन से पहले जो था आप कुछ हिस्सा एलिस्ट्रेटर में बनाते थे लेयर्स वगैरह फिर उसको फ़ोटोशॉप में लेके जा रहे थे फिर बोन्स की मैनिपुलेशन करते थे फिर उसको उधर जो है लेके आते थे तो वो एक बड़ा मुश्किल काम था लेकिन अभी कार्टून एनिमेटर में फ़ाइव पॉइंट वन वन के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं और ये आसान होती चली जा रही हैं बहरहली हमारे एडवांस टॉपिक से जब हम कैरेक्टर्स को डिजाइन करना सीखेंगे बनी बनाई चीज़ें गूगल से कुछ चीज़ उठाएंगे या फ्री पिक से उठाएंगे उस कैरेक्टर के ऊपर बोन्स लगाएंगे उसको टुकड़ों में डिवाइड करेंगे वो हमारे एडवांस के टॉपिक हैं वी विल डिस्कस दो सो so, आज के हम डिस्कस करें कि एक करेक्टर के अंदर ये सारा क्या होता है बोन्स किस तरह काम करती हैं और बोन को एनिमेट कैसे किया जाता है तो बहरहाल हम ये डिस्कस करें कि जिस को आप सेलेक्ट करेंगे वो इस इस पिक्चर में वो ब्लू डॉट नजर आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे उसके गिरद रेक्टेंगल लग जाएगी स्क्रीन के ऊपर स्टेज के ऊपर इसका मतलब ये है रोटेट कर सकता हूँ और मूव कर सकता हूँ राइट ये दो काम जो है मैं कर सकता हूँ और मूव करूँगा तो ट्रांसफॉर्म के ऊपर या रोटेट करूँगा ट्रांसफॉर्म के ऊपर लग जाएगी अगर मैं इसकी स्प्राइट जाके चेंज करूंगा लेट से मैं हाथ को सिलेक्ट करता हूं इसके दिस हैंड राइट हैंड इसको मैं सिलेक्ट करता हूं तो अभी मैं स्प्राइट एडिटर में जाता हूं तो ये देखें इसके हैंड के जो है मुझे कितनी ज्यादा प्रॉप्स अवेलेबल हैं अभी ये लेट से इसका राइट हैंड में राइट हैंड दिस वन इसका ये राइट हैंड है इस राइट right हैंड को मैं लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरी टाइम लाइन पर ये फिफ्टीन या इस फ्रेम पर जाके नाइनटीन फ्रेम इस वक्त है नाइनटीन फ्रेम पर जाके हाथ की पोजिशन इस तरह हो जाए देखें यह स्प्राइट के ऊपर मेरा की फ्रेम लग चुका है तो इसने हाथ ऐसे कर लिया है शुरू में अगर इसको लेके जाएं देखें ये इस तरह है लेकिन जब आगे आ रहा है तो हाथ को ऊपर भी करके जा रहा है ये ट्रांसफॉर्म का की फ्रेम उसे बता रहा है और यहाँ पे अचानक से क्या करता है अपने हाथ की पोजीशन चेंज कर लेता है ये स्प्राइट एडिटर के जरिए हो रहा है तो अगेन हम स्प्राइट एडिटर किसी एडवांस वीडियो में जाके देखेंगे आ, ये जस्ट मैं बता रहा हूँ अभी तो हम टू डी मोशन की एडिटर के जरिए चीज़ें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहरहाल ये स्प्राइट के ऊपर की, की फ्रेम उस वक्त लगेगा जब आप इसकी स्प्राइट चेंज करेंगे तो ये अगर ऑब्जेक्ट रिलेटेड ट्रैक ऑन कर लें यहाँ पर आप यहाँ पे जिन जिन हिस्सों को सिलेक्ट करके उन उनको छेड़ेंगे तो वो चीज़ें यहाँ पे ये नज़र आना शुरू हो जाएंगी वो कि टाइम फ्रेम हमारी टाइम लाइन जो है ये लेयर्स बढ़ती जाएंगी लेट्स से मैं इसकी इस एल्बो को जो है फिर यहाँ पे इस फ्रेम के ऊपर ले कर आके मैं कहता हूँ ये थोड़ी सी क्या करें ये भी रोटेट कर ले लाइक दिस तो अग, अगर हम स्टॉप करके शुरू से प्ले करें और इसको मैं लेट्स से इस लूप को जो है थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ ताकि ये वैसे ही फजूल में ना घूमता रहे अभी इसको मैं अप्लाई करता हूँ ठीक है तो ये अभी बहुत बेसिक सी एनीमेशन हमने की है कि किस तरीके से हम इसको इस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं तो ये कस्टम एनिमेशन है तो आप जो है इस तरीके से किसी किस्म की भी एनिमेशन बना सकते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इस कि ये देखें ये लॉक है ये लॉक है ये लॉक है और ये लॉक है ये लॉक हमें नजर आ रहे हैं ये लॉक क्या हैं अभी इन लॉक को समझने की कोशिश करते हैं लॉक का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ को एनिमेट करेंगे तो इसके पाँव ज़मीन से नहीं उठेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि ये करेक्टर जो है वो थोड़ा सा रोटेट करे इस तरह थोड़ा सा नीचे झुक जाए तो देखें की फ्रेम लग चुके हैं हिप के ऊपर उसका की फ्रेम ट्रांसफार्म का लग चुका है ठीक है अभी मैं इसको जो है शुरू से अगर चलाऊँ तो ये हाथ उठा रहा है और ये इस तरह बेंड कर रहा है ठीक है अगर अभी मैं इसी आगे जा के इसके लॉग जो है दोनों पाँव पे ख़त्म कर देता हूँ यानी कि ये आज़ाद घूम सकते हैं पाँव तो मैं इसी जगह पे आके इसको रीसेट कर देता हूँ आप किसी जगह पे भी अगर आप टाइम फ्रेम के दौरान अपनी करेक्टर की ओरिजिनल हालत को वापस लेके आना चाहते हैं तो रीसेट का बटन दबाएँगे तो ये औरिजिनल उसमें चला जाएगा ठीक है देखिए शुरू से आ रहा है अच्छा हमने इसके ऊपर एक बेसिक एनिमेशन लगाई है कि यहाँ पर ये हाथ उठाता है और फिर हमने जो है लॉक को देखने के लिए ये देखा है कि ये करेक्टर जो है यहाँ पे पहुँच के नीचे झुक जाता है और लेकिन इसके पाँव ज़मीन से नहीं उठते राइट तो इसकी हिप जो है ये जो हिप वाली बोन है ये रोटेट कर रही है बिल्कुल रोटेट कर रही है लेकिन इन लॉक की वजह से जो जो दो लॉक हमें नज़र आ रहे हैं इन लॉक की वजह से इसके पाँव ज़मीन पर फिक्स हुए पड़े हैं हल्के से मूव करते हैं लेकिन जो है वो मूव नहीं करता है ठीक है तो अभी मैंने इस पॉइंट पर आके लॉक जो है वो खोल दिए हैं तो अभी इसको फ्री कर दिया है इन करेक्टर्स को इन इन सारों को तो अभी अगर जाके दोबारा में इसके ऊपर इस फ्रेम के ऊपर दोबारा में इसको रोटेट करता हूँ तो फिर देखें क्या होगा ठीक है ये देखिए आपने क्या हुआ यहाँ से ये ट्रैक्टर घूम रहा है ठीक है पाँव यहाँ पे लॉक हैं और पाँव लॉक होने की वजह से क्या हुआ है कि ये झुकता तो है लेकिन ये ऊपर को नहीं उड़ता यहाँ पे आके मैंने पॉइंट इसके पाँव फ्री कर दिए हैं अभी इसको रोटेट कर रहा हूँ वही सेम एनिमेशन हिप के ऊपर लगाई हुई है अभी पूरा कैरेक्टर जो है वो घूम रहा है ठीक है तो ये लॉक और अनलॉक का ये इसका फंक्शन है अगर अनलॉक नहीं करेंगे तो उस हिस्से की वजह से जो भी है वो कैरेक्टर घूमेगा अच्छा देन यहाँ पर दो और ऑप्शन है फुल बॉडी और सिलेक्टेड पार्ट तो इसको भी हम देखते हैं अगर लेट से मैं आगे जाके इसी पार्ट को यहाँ पे आके दोबारा रीसेट कर देता हूँ और अपनी ओरिजिनल ने, नेचर हालत में आ जाता है और फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे आके ये करेक्टर सिर्फ सिलेक्टेड पार्ट जो है जो कि हिप हुआ पड़ा है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है वो सिर्फ रोटेट करे तो सिलेक्टेड पार्ट को भी मैं रोटेट कर रहा हूँ लेकिन स्टिल बिकॉज ये सारी बोन्स यहाँ पे आके जुड़ी हुई हैं ये सेंट्रल बोन है तो फिर भी मेरा कैरेक्टर क्या कर रहा है सारा रोटेट कर रहा है इवन दो कि मैंने फुल बॉडी को सिलेक्ट नहीं किया हुआ फुल बॉडी का ये मतलब है कि जो भी पार्ट मैं सिलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ उसकी वजह से बॉडी में जहाँ कहीं भी एनिमेशन आएगी तो वो सारा ऐसा एनिमेट होगा ठीक है तो सेलेक्टेड पार्ट में सिर्फ वो करता है कि सेलेक्टेड पार्ट की वजह से जो उसके सब पार्ट्स हैं लेकिन लेड से शोल्डर के ये सब पार्ट्स हैं सिर्फ इन एनिमेशन हो पाएगी तो ये फुल बॉडी और सिलेक्टेड बॉडी का जो है वो आ, ये इसका मकसद होता है अगर आप सिलेक्टेड बॉडी पे करके करेंगे रीसेट तो वो सिलेक्टेड बॉडी को सेलेक्टेड पार्ट को रीसेट कर देगा फुल बॉडी को रीसेट करेंगे तो वो फुल बॉडी को जो है वो रीसेट कर देगा बहरहाल ये हम अपनी मर्ज़ी से इस तरह की एनिमेशन लगा सकते हैं तो ये हमने देख लिया कि आप ये लॉक वाले फंक्शन क्या आ, काम करते हैं इस तरह हाथों को भी आप लॉक कर सकते हैं अगर हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई है आप बाजू को मूव कर रहे हैं तो बाजू जो है मूव करेगा लेकिन हाथ मूव नहीं करेगा हाथ लॉक हो जाएंगे जब देखिए जब हम इन दो लॉक पे करते हैं क्लिक ठीक है तो ये लॉक भी हो गए और ये दो हिस्से जहाँ पे कलाई बाजू के साथ जुड़ती है वो वाली बोन और हाथ वाली बोन ये क्या हो गई हैं स्टक हो गई हैं इसी तरह ये दोनों हाथ भी आप लॉक कर सकते हैं दोनों पाँव भी लॉक कर सकते हैं तो ये लॉक फंक्शन है यहाँ पर जो आप एनिमेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे आप जिस जिस हिस्से पे एनिमेशन लगाते जाएंगे ये लेयर्स खुलती जाएंगी ये मजीद नीचे जाती जाएंगी जाती जाएँगी राइट तो ये अगेन टाइम लाइन बहुत बड़ी होती जाएगी अगर आप चाहते हैं कि टाइम लाइन जो सिर्फ मुझे जिस वक्त जिस पार्ट के ऊपर मैं एनिमेशन कर रहा हूँ सिर्फ वो, वो वाला दिखाए तो आप यहाँ पर जाके इस में जाके के आटो हाइड ऑन कर देंगे तो जिस की फ्रेम में जो चाहिए होगा जिस लेयर को आप छेड़ेंगे सिर्फ वही ले, लेयर जो आपको विजिबल हो जाएगी बाकी ट्रैक्स जो हैं यहाँ पे वो हाइड हो जाएंगे आपका अगर एक ही मॉनिटर है कि स्क्रीन है तो ये टाइमलाइन इतनी बड़ी होती जाएगी नीचे चलती जाएगी अगर इसमें तीन करेक्टर्स हैं चार करेक्टर्स हैं तो इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप सबको देख नहीं पाएंगे तो हो होना तो ये चाहिए कि जो एनिमेशन लोग करते हैं तो ये टाइमलाइन एक मॉनिटर के ऊपर सिर्फ टाइम शो हो रही होती है तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें देख सकते हैं बहरल इट डिपेंड्स कि अगर आ, आ, अगेन आप किस लेवल के और किस लेवल पे चीज़ें मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। अगर इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो ओरिजिनल अपनी उससे के चली जाएगी ये टाइम है कि ये बढ़ती ही जाएगी आप जितनी लेयर्स इसको जितने कैरेक्टर जितने प्रॉप्स लेके आते जाएंगे ये नीचे जाती जाएगी जाती जाएगी और जाती जाएगी अभी तक हमने डिस्कस किया कि हम टू मोशन की एडिटर जिसकी शॉर्टकट जिसकी शॉर्टकट के की है अगर आप अपने की से के दबाते हैं तो ये आपको विजिबल हो जाएगा तो इसके ज़रिए आप अपनी मर्जी से एनिमेशन जो है बना सकते हैं किसी करेक्टर की तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनका क्या मकसद है और ये क्या होते हैं ये फ्लिप हिप और रिवर्स जॉइंट एंगल ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो